स्वागत है आपका अपने चैनल पैंथर 11। और आज मैं बात करने वाला हूँ युवा कबड्डी सीरीज के मानसून एडिशन के 29वें मैच के बारे में। जो ये मैच खेला जाएगा एरावाली एरोज़ वर्सेस हम्पी हीरोज के साथ, ये मैच खेला जाएगा शाम को 4 बजे ये मैच खेला जाएगा। गाइस मैं वही बात करता हूँ युवा कबड्डी मानसून एडिशन के बॉक्स स्कोर की मैं बात करता हूँ। तो फर्स्टली काजीरंगा हाइंस ने, इन्होंने 5 मैच प्ले किया, 5 मैच ऑन्स के बाद काफ़ी मजबूत टीम नज़र आ रही है, कोई भी मैच इन्होंने हारा नहीं है। वही हम्पी हीरोज़ की बात करें तो इन्होंने 5 मैच में 4 मैच ऑन किया हुआ, 1 मैच लॉस किया हुआ है। वही मुथल मैग्नेट्स की टीम की बात करें तो इन्होंने 6 मैच प्ले किया जिसमें इन्होंने 4 मैच ऑन किया हुआ है और 2 मैच लॉस किया हुआ है। प्रयाग पैंथर्स की बात करूँ तो इन्होंने 5 मैचों में 3 मैच ऑन किया हुआ है, 2 मैच लॉस किया हुआ है। एरावाली एरोज़ की बात करूँ तो इन्होंने 5 मैचों में 3 मैच ऑन किया हुआ है, 2 मैच लॉस किया हुआ है। और पंचाला प्राइड की बात करूँ तो 6 मैच में इन्होंने 3 मैच ऑन किया हुआ है, 3 मैच लॉस किया हुआ है। वहीं विजय नगाड़ा की बात करूँ तो इन्होंने 6 मैचों में 2 मैच ऑन किया हुआ है और 4 मैच लॉस किया हुआ है। वहीं मराठा मार्बल्स की बात करूँ तो इन्होंने 6 मैचों में 2 मैच ऑन किया हुआ है, 4 मैच लॉस किया हुआ है। सिद्ध सोनी की बात करूँ तो 5 मैचों में इन्होंने 1 मैच ऑन किया हुआ है, 4 मैच लॉस किया हुआ है। टडोवा टाइगर ने 5 मैच इन्होंने लॉस किया हुआ है। गाइस वहीं आज मैच जो खेला जाएगा वो हम्पी हीरोज़ और एरावाली एरोज़ के साथ ये मैच खेला जाएगा। गाइस इस वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। और आपने अभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, सर्च कर लो @Panther11ABC और ज्वाइन कर लो, ये लोगो दिख जाएगा। क्योंकि फाइनल SL टीम और जो भी लाइनअप या स्क्वाड वगैरह ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही आएंगे, इसलिए आप ज्वाइन करना मत भूलना। टेलीग्राम को डायरेक्ट ज्वाइन करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस वही इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों टीमों की। जो स्क्वाड रहने वाली उसकी मैं बात करूँ तो कपिल गुज्जर जो इस टीम के कैप्टन है, वही मनीष शर्मा, राशिद अली, लोकेश गोसलिया, राजेंद्र बक्कर, चेतन कुमार, अंकित जाट, अनुज यादव, विशाल चौधरी, साहिल झंडू, अर्जुन चौधरी, तौसीफ अहमद, अनुज सैनी और राम कुमार, ये रहने वाले हैं एरावाली एरोज़ की स्क्वाड। वहीं पे बात करते हैं दूसरी टीम की स्क्वाड जो रहने वाली है हम्पी हीरोज़ की। नितिन धनकर इस टीम के कैप्टन है और रोहित नंदलाल, बिट्टू बनवाला, मनदीप रोल, टिंकू अंतिल, सोनू रतराल, तुषार, अमित गोलिया और अनित नरवाल, जतिन सिंह रोहा, प्रदीप रानू, जतिन वेट्स, विशाल चहल और अजय नरवाल, ये दोनों टीम के स्क्वाड रहने वाले हैं। गाइस मैं वही बात करूं दोनों टीम की, जो अभी प्रीवियस लास्ट मैच हुई है उसके स्क्वाड की बात करूं, बॉक्स स्कोर की बात करूं तो लोकेश गोसलिया जो प्ले किए थे रवाली एरोज़ की तरफ से, इन्होंने जो डिफेंडर है और 2 टैकल इन्होंने किया था, इनके पॉइंट्स 2 रहे थे। वहीं साहिल झंडू जो रेडर है 4 रेड किए थे और इनके पॉइंट्स 4 थे। वही राशिद अली की बात करूँ तो राशिद अली ऑलराउंडर है बट ये अगले मैच में कोई खास परफॉर्म नहीं किए थे। वहीं तौसीफ अहमद की बात करूँ, तौसीफ अहमद ने 8 रेड किए थे और इनके पॉइंट्स 8 रहे थे। मनीष शर्मा जो इस टीम के डिफेंडर है जो लेफ्ट कवर करते हैं, वहीं मैं बात करूँ इन्होंने 3 टैकल किया था और टोटल पॉइंट इनके 3 रहे थे। अर्जुन चौधरी की बात करूँ तो ये रेडर है जो राइट कवर करते हैं, 6 पॉइंट इनके थे। अंकित जाट की बात करूँ तो ये अंकित जाट जो इस टीम के डिफेंडर है जो लेफ्ट कवर करते हैं, वहीं इन्होंने 1 टैकल किया हुआ था। सब्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो सब्स्टिट्यूशन से विशाल खेलने आए थे जो रेडर हैं, इन्होंने 10 रेड किया हुआ था, इनके पॉइंट्स 10 थे। वहीं अनुज यादव की बात करूँ तो ये इस टीम के भी रेडर है और इन्होंने 4 रेड किया था और इनके पॉइंट 4 थे। गाइज मैं वहीं बात करूँ दूसरी टीम हम्पी हीरोज़ की बात करूँ तो हम्पी हीरोज़ की तरफ से इसमें मनदीप रुहाल जो स्टार्ट किए थे बट इन्होंने कोई रेड नहीं, कोई टैकल नहीं किया था। वहीं सोनू रतराल की बात करूँ तो ये रेडर है और इन्होंने 8 रेड किया था और इनके पॉइंट 8 थे। वहीं रोहित नंदलाल की बात करूँ तो ये टीम के डिफेंडर है और अच्छे डिफेंडर है, इन्होंने 5 टैकल किया हुआ था, 1 रेड किया हुआ था, वहीं टोटल इनके पॉइंट 6 थे। वहीं जे वेट्स की बात करूं तो ये टीम के डिफेंडर हैं, लेफ्ट कवर कॉर्नर को कवर करते हैं, वहीं इन्होंने 1 टैकल किया हुआ था और 1 टोटल पॉइंट थे। वहीं अजय नरवाल की बात करूं तो अजय नरवाल ने 1 टैकल किया हुआ था, 1 टोटल पॉइंट थे। विशाल चौधरी बहुत अच्छे इस टीम के रेडर हैं, इन्होंने 12 रेड किया हुआ था और इनके पॉइंट्स 4 थे। और बिट्टू बनवाला जो इस टीम के ऑलराउंडर है, इन्होंने 4 टैकल किया हुआ था और 4 इनके पॉइंट्स थे। गाइस ये दोनों टीम को के जो है लास्ट के बॉक्स स्कोर के स्क्वाड है। वही मैं बात करूँ आज के जो मैच में दोनों टीम की तरफ से जो पॉसिबल स्टार्टर होने वाले हैं उसकी मैं बात करूँ तो
मनदीप रुवाल हिम्पी हीरोज की तरफ से, मनदीप रुवाल, सोनू रतराल, रोहित नंदलाल, जतिन वेट्स, अजय नरवाल, विशाल चहल और बिट्टू बंदवाला, ये आपको स्टार्ट करते हुए नज़र आएंगे आज के टीम में मैच में जो है। वहीं मैं बात करूँ रवाली एरोज़ की तरफ से, लोकेश गोसलिया, साहिल जंडू, राशिद अली, तौसीफ अहमद, मनीष शर्मा, अर्जुन चौधरी और अंकित जाट, ये आपको स्टार्ट करते हुए आज दिख जाएंगे इस मैच में। गाइस अगर इस मैच में अगर कुछ भी चेंजेज होता है लाइनअप या स्क्वाड से, वो मेरे टेलीग्राम पे आएंगे। गाइस मैं वही बात करूँ जो हमारे सीट टीम रहने वाली है इस टीम में, अभी आप भी इस टीम को सेट करके रख सकते हो। मैंने डिफेंडर में एल गोसलिया को लिया हुआ, काफ़ी अच्छे इस टीम के बहुत अच्छे डिफेंडर है जो राइट कवर करते हैं और ये बहुत अच्छे डिफेंडर है। वही मैं बात करूँ आर कुमार नंदलाल का, तो ये भी अपने टीम के हैम्पी हीरोज़ के बहुत अच्छे डिफेंडर है, आप इनको ट्राई कर सकते हो, या जे हेरूज वेट्स को आप ट्राई कर सकते हो। वहीं मैं बात करूँ ऑलराउंडर की, तो राहत अली को मैंने ऑलराउंडर में पिक किया हुआ है, वहीं ऑलराउंडर में मैंने बी बंदवाला को पिक किया हुआ है। तो बी बंदवाला भी बहुत अच्छे प्लेयर है अपने हैम्पी हीरोज़ की तरफ से, और आप इसको चाहो तो कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो। मैंने अपने सेट टीम में वाइस कैप्टन ट्राई किया हुआ है। गाइज वहीं रेडर की बात करूँ तो रेडर में मैंने विशाल चहल को लिया हुआ है और ए सिंह चौधरी को लिया हुआ है। तो मैंने विशाल चहल को कैप्टनसी लिया हुआ है सेट टीम में, बट कुछ भी चेंज हो सकते हैं क्योंकि फाइनल टीम जो आएंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आप चाहो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी राहत अली के साथ जा सकते हो, एल गोसलिया के साथ जा सकते हो। लास्ट मैच में इन्होंने लास्ट के प्रीवियस मैच में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, काफ़ी टैकल वगैरह किया था, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो अपने कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। या वेट्स भी बहुत अच्छे प्लेयर है, जब इनको अगर वो सब्स्टिट्यूशन से चांस मिलता अगर ये स्टार्ट नहीं करते तो ये भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। बी बंदवाला को भी ट्राई कर सकते हो अपने टीम में एज ए कैप्टनसी, क्योंकि ये भी अच्छे प्लेयर है। गाइस जो भी फाइनल टीम या लाइनअप अपडेट या कुछ भी इन आउट के होंगे वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे आएंगे, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। सर्च कर लेना @Panther11ABC, आपको लोगो दिखेगा, आप ज्वाइन कर लेना, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, या कॉमेंट सेक्शन से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। इसलिए फाइनल टीम वहाँ पर आती है 5 मिनट पहले आती है, वो भी फ्री टीम होती है, आप बिल्कुल ज्वाइन करना मत भूलना, ज्वाइन कर लो। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे से कोई भी ऐसी वीडियोस आती है तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।